Good morning, students. I am going to discuss chapter 6, life process in the science subject. The definition of life process is that all the vital activities occurring inside the living body, which are essential for the survival of a living being, are called life process. There are 7 life processes which are essential for the living beings. First is nutrition, second is respiration, third is transportation, fourth is excretion, fifth is growth and movement, sixth is reproduction, and seventh is response to stimuli. But in chapter 6, we will discuss about only 4 life processes: nutrition, respiration, transportation, and excretion. In the life process, molecular movement are essential to carry out various life process. Means life process में molecular movement का involve होना जरूरी है. Molecular movement का involvement का मतलब ये हो गया कि जो biochemical activities living body में होती है, मतलब molecule का बनना और molecule का टूटना, इसमें molecule का movement होता रहता है. इसीलिए कहा जाता है कि life process में molecular movement होता है. The ability to perform basic life process distinguish between living and non-living. मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में life process को perform करने की ability है, तो उसे हम living being मानते हैं. अगर कोई भी object life process perform नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब वो non-living में consider होगा. Topic 1 nutrition है. न्यूट्रिशन को स्टार्ट करने से पहले लाइफ प्रोसेस एक बार हम फिर से डिस्कस करेंगे. किसी भी लिविंग बॉडी में होने वाली सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को मिलाकर लाइफ प्रोसेस कहते हैं, और ये सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए ज़रूरी होती है. ठीक है, तो फिर अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका टॉपिक 1 जो है न्यूट्रिशन. तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म आइदर obtain food from the surrounding or prepare its food by using raw material from the nature and utilizes the food in the various life processes. And eliminates unused substances of the food. तो कहने का मतलब है कि nutrition वो process है जिसमें कोई भी organism या तो एटमॉस्फेयर से फूड ऑब्टेन करता है, या फिर सनलाइट की हेल्प से जो है ग्लूकोज को बना लेता है. और वो किसी भी मेथड से फूड बना रहा होता है, चाहे वो ऑटोट्रॉपिक मोड से बना रहा हो, चाहे वो हेटरोट्रॉपिक मोड से बना रहा होता है, उन सभी फूड को वेरियस लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ करता है. ठीक, और जो अनयूज्ड सब्सटेंस होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है. इन सब प्रोसेसेस को कलेक्टिवली मिलाकर आप न्यूट्रिशन कह सकते हैं. फिर बात करते हैं न्यूट्रिशन के टाइप. न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक CO2, सॉइल वाटर बाय द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, एंड इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज इवॉल्व एज बाय प्रोडक्ट. मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिनमें कोई भी ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेयर से CO2 और सॉइल से वाटर लेता है, और सनलाइट और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेल्प से जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन एक बाई प्रोडक्ट के रूप में इवॉल्व होती है. चूँकि मेन प्रोडक्ट इसका इस प्रोसेस का ग्लूकोज है, और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है. बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. अभी इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फोटोसिंथेसिस के डेफिनेशन के बारे में, या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलिए चाहे फोटोसिंथेसिस बोलिए, बात एक है. ये रिएक्शन में आप देखेंगे 6CO2 प्लस 12H2O गिव्स आउट ग्लूकोज प्लस 6O2 प्लस 6H2O. दिस इज द रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस. इसमें आप देख रहे हैं कि गिव्स आउट के ऊपर सनलाइट है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के हेल्प से और सनलाइट की प्रेजेंस में काम होता है फोटोसिंथेसिस का. अब फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होने वाले स्टेप्स क्या है देखिए. फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, मतलब क्लोरोफिल मॉलिक्यूल
सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड स्प्रेडिंग ऑफ वाटर इनटू H+ ion, इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन। तो इसका मतलब हुआ कि लाइट एनर्जी जो होती है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और उस केमिकल एनर्जी से वाटर तोड़ दिया जाता है, वाटर टूटता है H+ में, इलेक्ट्रॉन में और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन चली जाती है एटमॉस्फेयर में, और इसी ऑक्सीजन पर सभी ऑर्गेनिज्म का रेस्पिरेशन डिपेंड करता है। और इसी स्टेप में रिडक्शन ऑफ NADP+ इनटू NADPH2 बाय H+ एंड इलेक्ट्रॉन। कह रहे हैं कि NADP एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि H+ ion और इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके रिड्यूस हो जाता है। तो NADP+ को जब H+ ion H+ और इलेक्ट्रॉन रिसीव हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया NADPH2 में, और NADPH2 इज लास्ट प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का लास्ट प्रोडक्ट है, मतलब ये पहले दोनों स्टेप ये लाइट रिएक्शन में रखे गए हैं। लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन दोनों स्टेप के लिए लाइट नीडेड है। और ये लाइट रिएक्शन होती क्या है, विच अकर्स इन ग्रैनम। ग्रैनम आपका क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑफ मेल विच इज फाउंड इन द लीफ सेल्स। NADP इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज वेल एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को कैरी भी करता है। आपने देखा कि लाइट रिएक्शन ग्रैनम में होती है और वहां पर NADPH2 बना है जो कि लास्ट प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। अब जब का थर्ड स्टेप है जिसमें रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू ग्लूकोज, मतलब CO2 रिड्यूस होती है ग्लूकोज में, तो रिड्यूस कैसे हो रही है, जो CO2 रिडक्शन के लिए जो NADPH2 जो लास्ट प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का, वो अपना H+ ion और इलेक्ट्रॉन CO2 को प्रोवाइड करता है। आप देख रहे हैं कि CO2+ NADPH2, यहाँ पे NADPH2 CO2 को इलेक्ट्रॉन HF देने आया है, और ये दे देता है जिससे जो C6H12O6 बन जाता है, और बाद में ये NADP+ ये आयनाइज फॉर्म में खाली हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है। लाइट रिएक्शन में इसने इलेक्ट्रॉन रिसीव किया था, और डार्क रिएक्शन में आके CO2 को अपना इलेक्ट्रॉन HN दे देता है, और जिससे CO2 रिड्यूस हो जाता है ग्लूकोज में। अभी तक आपने जो फोटोसिंथेसिस में तीन स्टेप पढ़े हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो तीनों स्टेप जो है एक दूसरे के बाद ही होते रहे। जैसा कि नोट्स में आपके सामने लिखा हो रहा है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द थ्री स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस वन आफ्टर अदर इमीडिएटली, बिकॉज इन जेरिक प्लांट, जेरिक मतलब डेजर्ट प्लांट में CO2 प्लांट CO2 एब्जॉर्प्शन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टेक्स प्लेस इन द नाइट, मतलब रात में जेरिक प्लांट पे यानी कि डेजर्ट प्लांट में CO2 का एब्जॉर्प्शन रात में होता है, और वही CO2 एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाती है, उसको मैलिक एसिड बोलते हैं, और मैलिक एसिड दिन के समय जो क्लोरोफिल द्वारा नेक्स्ट डे जब लाइट अब्जॉर्ब होगी तो उस लाइट एनर्जी का यूज करके वो CO2 वो कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में। नेक्स्ट वीडियो में आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे, और साथ में हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी डिस्कस किया जाएगा। टिल देन गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।